जिले के स्कूल के विद्यार्थियों को सूखा राशन का वितरण। बेमेतरा जिले के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस के चलते उनके घरों में पहुंचाकर सूखा राशन सामग्री का वितरण स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किया गया। शुक्रवार को जिले की प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। इसी कड़ी में बेमेतरा जिला मुख्यालय के शासकीय स्कूल उमरिया में स्थित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं सहित अन्य गांव एवं नगरीय निकायों में स्थित शालाओं में के शालाओं के शिक्षकों के द्वारा सामग्री राशन वितरण का वितरण किया गया। वहां के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा किया गया है। इस संबंध में जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार 3 और 4 अप्रैल तक वितरण करना है। इसके बारे में शासकीय स्कूल उमरिया में स्थित प्राथमिक स्कूल के HM जागृति व पूर्व माध्यमिक शाला के HM दानेंद्र दुबे ने बताया कि उनके शाला विद्यार्थियों को सूखा राशन सामग्री का वितरण किया गया। प्राथमिक शाला के प्रभारी प्रधान पाठक जागृति ने बताया कि सुबह से पहली से पांचवी तक के बच्चों को सूखा राशन में चावल दाल वितरण किया गया, जहां प्राथमिक शाला में टोटल 121 बच्चे दर्ज हैं। इस हिसाब से चावल 4 किलोग्राम, दाल 800 ग्राम प्रति बच्चे की दिया गया है। वहीं मिडिल स्कूल के बच्चों को 6 किलो चावल व 1 किलो 200 ग्राम दाल का वितरण बच्चों के घर में जाकर वितरण किया गया और पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। ज्ञात हो कि कार्यक्रम के सफल संचालन में संकुल के सभी शिक्षकों का विशेष योगदान रहा, जिसमें शिक्षकों द्वारा पालकों को बीमारी के संक्रमण एवं सैनिटाइज के तरीकों पर चर्चा करते हुए सामग्री का वितरण किया गया। इन संकुल स्तरीय राशन वितरण को सफल बनाने में संकुल समन्वयक एवं संकुल के समस्त शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। नाम बताएंगे मैम? मेरा नाम जागृति देवी है। कौन से पद पर हैं आप? कौन से पद पर हैं? यहाँ पे प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर। कौन से विद्यालय में? शासकीय प्राथमिक शाला उमरिया में। जी, हमें बताएंगे आपके विद्यालय में दर्ज संख्या कितनी है? मेरे यहाँ बच्चों की संख्या कुल 121 है जी, और नियमित रूप से बच्चे आते हैं। सभी बच्चे ही आते हैं जी, जी। दो या तीन बच्चे ऐसे एब्सेंट करते हैं, बाकी सभी आते हैं। जिस तरीके से बच्चों को शासन के निर्देशन अनुसार से मिड डे मील नहीं मिलने की वजह से उनको लाभान्वित सूखा राशन के रूप में देना है, तो कितने मात्रा में दिया जा रहा है? हमारे यहाँ सर प्राथमिक स्कूल में बच्चों को 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। ठीक ठीक, किस आधार में दे रहे हैं? क्या तौल के दे रहे हैं या फिर पैकेटिंग तैयार करके दे रहे हैं? पहले उसको तौले हैं सर, फिर तौल के उसको पैकेट बनाए जी, उसके बाद में बच्चों को वितरण कर रहे हैं। अच्छा, इसमें विशेष रूप से लॉकडाउन का ध्यान रखना करके बोले, क्या कुछ निर्देश का पालन किया जा रहा है आपके? सर उसमें कह रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग करना है वो जैसा निर्देश है सरकार को, उसको तो पालन कर ही रहे हैं जी। पापों को बुलाया गया है, हाँ, पापों को बुलाने के बुला के दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा अच्छा, और बच्चे भी साथ में आ गए हैं आने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या कुछ संदेश बच्चों को दे रहे हैं? बच्चों को दूरी बना के रखना है, एक दूसरे से थोड़ा घर से बाहर नहीं निकलना है, जितना समय वो अपने घर में बिताना है जी, जो भी बताए हैं बच्चे को जी। आपके यहाँ संकुल समय में कौन है? हमारे यहाँ से मालिक राम साहू है संकुल समय। अच्छा अच्छा, अभी ब्लॉक बेमेतरा है? नहीं, ब्लॉक बीओमओ कौन है? बीओ डहरिया सर है। जिला शिक्षा अधिकारी? जिला कलेक्टर मैम? जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, कलेक्टर अनंत शिव अनंत ताना कुछ लास्ट वाला, कुछ शिक्षा मंत्री प्रेम साय।